मैंने पूछा भगवान से, कैसे करूं आपकी पूजा? भगवान बोले, तू खुद भी मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें कहाँ खोजना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है परमात्मा कहाँ मिलेगी। एक मशहूर सूफी संत हुई थी राबिया। वे न सिर्फ महान संत थी बल्कि जागृत भी थी। उनके सिखाने के तरीके भी बड़े अनूठे और सरल थे और इस कारण वह सबकी चहेती भी थी। एक दिन सबने देखा कि राबिया संध्या समय अपने आश्रम के बाहर के बरामदे में कुछ खोज रही थी। कुछ देर तो सब यह तमाशा देखते रहे, परंतु फिर जब न रहा गया तो उनमें से एक शख्स पूछ ही बैठा कि आप क्या खोज रही हैं? राबिया ने कहा, दरअसल मेरी सुई खो गई है, मैं उसे खोज रही हूं। इधर राबिया के कहने की ही देर थी कि सभी राबिया के साथ सुई खोजने में भिड़ गए, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी सुई ठीक ही मिलने का नाम नहीं ले रही थी। जब काफी वक्त बीत गया तो किसी ने राबिया से पूछा कि सुई खोई कहाँ है। राबिया ने कहा, भीतर मेरे शयन कक्ष में। यह सुनते ही सब सोच में पड़ गए। कछुएक राबिया की बुद्धि पर हंसे भी। किसी एक ने राबिया से कहा, कहा भी कि कमाल करती हो, जब सुई खोई शयन कक्ष में है तो यहां कैसे मिलेगी। राबिया ने कहा, मिलेगी और जरूर मिलेगी, ठीक से खोजने की ही बात है। जब कमरे में अंधेरा है तो सुई वहां तो मिलने से रही, सो उसे उजाले में खोज रही। तुम लोग भी यहां वहां की बातें मत बनाओ, चुपचाप खोजने में मेरी मदद करो, देखना वह जरूर मिलेगी। अब कुछ लोग, उन्हें राबिया पर अंधा विश्वास था, वे फिर से खोजने में लग गए। वहीं दूसरे, जिन्हें यह बात ही बेतुकी लग रही थी, वे दूर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। लेकिन राबिया बड़ी गंभीरता पूर्वक सुई खोज रही थी। हालांकि कुछ देर बाद ही जो राबिया के साथ फिर सुई खोजने में लगे थे, वे भी दूर हो गए। अब रह गई थी अकेली राबिया, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अब भी पूरे विश्वास और लगन के साथ सुई की खोज में लगी हुई थी। लेकिन जब काफी वक्त निकल गया तो दो चार को राबिया की हालत पर तरस आया। उन्होंने राबिया को समझाया कि सुई वहां नहीं मिलेगी, मिलने वाली वह शयन कक्ष में खोई है, तो चलो वहीं चलकर ढूंढते हैं। राबिया ने कहा, लेकिन वहां अंधेरा है, यहां रोशनी है, सो उसे यही खोजना बेहतर है। यह सुन एक से न रहा गया। वह बोला, राबिया तुम पागल हो गई हो, यहां अंधेरे या उजाले का सवाल ही नहीं, चीज तो वही मिल सकती है जहां खोई हो। राबिया हंसते हुए बोली, मैं भी पहले ऐसा ही मानती थी, लेकिन फिर तुम लोगों को देख भ्रमित हो गई, क्योंकि जो खुदा मन के गहरे अंधियारों में खोया हुआ है, तुम लोग उसे सदियों से मस्जिदों और मजारों की चकाचौंध रोशनी में खोज रहे हो। सो मैंने सोचा, क्यों ना एक प्रयास मैं भी करूं, परंतु खुदा के मामले में मैं ऐसा जोखिम लेना नहीं चाहती थी, सो सुई पर प्रयोग कर रही। यदि सुई बरामदे में मिल जाएगी तो मैं भी खुदा को मस्जिदों और मजारों में खोजने की जोखिम उठा लूंगी, वरना चुपचाप उसे मन की गहराइयों में खोजती रहूंगी। यह सुनते ही सभी स्तब्ध रह गए। सबके सब राबिया के चरणों में गिर पड़े। सबको समझ आ गया कि वह कहां और क्या गलती कर रहे हैं। दोस्तों, अब हमारे पास साक्षात राबिया तो नहीं है, परंतु उनके द्वारा हमें समझाने हेतु करी गई एक खूबसूरत कोशिश की कहानी हमारे पास अवश्य है। सो इसे ही सहारा बनाकर क्यों ना आज से हम भगवान को
मंदिर, मस्जिद या चर्चों में खोजने की बजाय अपने भीतर मन की गहराइयों में खोजने की कोशिश प्रारंभ करें। हम भी इंसान हैं, आखिर कब तक ज्ञानियों, भगवानों व फकीरों की समझाइशों को नजरअंदाज करते रहेंगे। दोस्तों, इस छोटी से प्रसंग से हमें सीखने को मिलता है कि पहले हमें अपने मन को शुद्ध करना है और अपनी मन की गहराइयों में भगवान पर विश्वास जताना है, भगवान को खोजना है। मंदिर और मस्जिद जाना बुरा नहीं है, लेकिन पहले हम अपने मन को शुद्ध करें और मन को शांत करेंगे तभी भगवान मिलेंगे, क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान होता है और हमें उसे अपने इंसान के अंदर ही खोजना चाहिए, अपने अंदर ही खोजना चाहिए। अंदर खोजने का तात्पर्य है कि अगर हम एक दूसरे इंसान को भला करेंगे, उनकी बुराइयां नहीं करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, उन पर दया करेंगे, तभी हमें भगवान मिलेंगे। और भगवान मंदिर और मस्जिद में जाने से नहीं मिलेंगे। हाँ, वहां आप जाइए, शांत मन से बैठिए और मन के अंदर भगवान को खोजिए और भगवान पर विश्वास जताइए, तभी हमें मिलेंगे अपने मन की गहराई में। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों में भी कमेंट जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहें, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।